क्या आप जानते हैं हनुमान जी और श्री राम दोनों वास्तव में भाई थे। श्री रामचरितमानस के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ की तीन रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, लेकिन तीनों की पुत्र प्राप्ति नहीं थी। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से राजा दशरथ ने भृगु ऋषि को पुत्र कामिष्ठ यज्ञ करवाने के लिए प्रार्थना किया। यज्ञ के बाद पवित्र अग्नि कुंड में से खीर से भरा हुआ पात्र हाथ में लिए अग्निदेव प्रकट हुए और राजा दशरथ से बोले, देवता आपसे खुश हुए, यह पात्र खीर से भरा हुआ है, इस खीर को अपनी तीनों रानियों को खिला दो, आपके चारों पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने सबसे पहला खीर का आधा भाग सबसे बड़ी रानी कौशल्या को दिया, फिर बचे हुए आधे भाग का आधा भाग मझली रानी सुमित्रा को दिया। इसके बाद जो बचा रहा उसे छोटी रानी कैकेयी को दिया। अंत में खीर मिलने पर कैकेयी को अच्छा नहीं लगा, वह राजा दशरथ से नाराज हो गई। तभी भगवान शंकर ने एक माया रची कि एक चील वहां आई और कैकेयी के हाथ से खीर लेकर उड़ गई। वह चील अंजना पर्वत पर अंजनी देवी के पास पहुंची। उस समय देवी अंजनी तपस्या में लीन थी। चील ने वह खीर उनके हाथों में जाकर रख दी। उन्होंने भगवान के प्रसाद मान उस खीर को खा लिया। दूसरी तरफ कौशल्या और सुमित्रा ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए कैकेयी को अपना प्रसाद में से कुछ भाग दे दिया। खीर खाने से माता अंजनी भी राजा दशरथ की तीन रानियों की तरह गर्भवती हुई। सही वक्त आने पर राजा दशरथ के घर श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। देवी अंजनी ने हनुमान जी को जन्म दिया। यही कारण है कि पवित्र अग्निकुंड से निकली एक ही खीर से श्री राम और हनुमान जी का जन्म होने से दोनों भाई माने जाते हैं।